आप पूरा गुरुडवा में स्पोर्ट बाइक घूम 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 पूरा नचाएंगे। सरकार को आप लोग के माध्यम से पता चला और सरकार इसका टेंडर निकाला है तो हम ही लोग लिए हैं। जोहार झारखंड, आज मैं वापस से आ चुका हूँ जीपी भागा के परिसर में। 3 महीना पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने दिखाया कि यहाँ के कॉलेज के जाने वाले बच्चों को किस तरह के आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे रोड नहीं था, वापस से हम आ चुके हैं वही जीपी भागा पे। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप हमारे ही चैनल पे अभी से 4 महीना पहले का वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने बताया कि यहाँ के बच्चों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए कॉलेज के अंदर जाना पड़ रहा है। मिट्टी वाला रोड था, कीचड़ से गुजर के कॉलेज पे अंदर जाया जा रहा था। अभी आप देख सकते हैं हमारा वीडियो जो कि आप लोगों के सपोर्ट के कारण रंग लाया है। अभी आप देख सकते हैं रोड बनाया जा रहा है। मैं इसके कारण हेमंत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आप कुछ सहपाठियों से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ रोड बनने के बाद उनको कैसा प्रतीत हो रहा है। तो आइए हम कॉलेज के उन्हीं बच्चों से वापस से सवाल करते हैं और देखते हैं उनका अब ये क्या राय है। भैया अभी तो रोड बन गया, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रोड पास हुआ तो हेमंत सोरेन का हम लोग बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले हमें जब इस रोड में पार होना पड़ता था बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, कीचड़ से भरा रहता था, हम लोग को चिंता लगता था कैसे हम आगे चल के हम लोग आएंगे कॉलेज पर। अब इतना अच्छा रोड हो चुका है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे कितनी भी मूसलाधार बारिश आए आंधी आए अब बहुत अच्छा होगा, सारे स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। कुछ महीनों पहले जिस तरह से यहाँ की हालत थी हमें तो लग रहा था कि आपसे हमें ओवरब्रिज ना बनाना पड़ जाए या एरोप्लेन लैंडिंग ना कराना पड़ जाए, लेकिन आज इतना मजा आ रहा है कि देखिए हम लगा रहे कीचड़ फिर भी नहीं लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा, इतना मस्त है ना। आप पूरा एक गुरुडवा में स्पोर्ट बाइक घूम 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 पूरा नचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस रोड को जल्दी से जल्दी सरकार द्वारा प्रारित करने के लिए। तो आइए हम अपने एक और भाई से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ रोड बनने के बाद। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके इस सहयोग से हमारा ये रोड आज बन पा रहा है। आप देख सकते हैं हमें पहले कितनी दिक्कत होती थी आवाजाही में, आज हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, गाड़ी भी आराम से जाने पाएगा और हम लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। हम लोग का फिलहाल सरस्वती पूजा भी होने वाला है जिसमें हम लोग को और इसमें रोड की वजह से और फायदा होगा, हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमने वीडियो ये 3 महीना पहले बनाया था तो हमारे साथ यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जुड़ चुके हैं, आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब पास हुआ और कैसे हुआ। अंकल ये वीडियो मतलब ये जो रोड पास होने का कॉन्ट्रैक्ट है ये कब पास हुआ? ये आपको 2-3 महीना पहले हुआ है। सरकार को आप लोग के माध्यम से पता चला और सरकार इसका टेंडर निकाला है तो हम ही लोग लिए हैं और बस 1 महीना 20 दिन पहले से काम लगाए हैं हम लोग। तो जैसे कि आपने अंकल से सुना कि ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग से अभी से 1-1.5 महीना पहले पास हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड।